बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोर्स है हमारा स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का, और इस स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम अपनी 8th लेक्चर पर मूव कर रहे हैं। और आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि 5-पार्ट फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। 5-पार्ट फार्मूले का एक और नाम है, इसे साइन कोसाइन फार्मूला भी कहते हैं। इसमें 3 साइड और 2 एंगल्स अगर आपके पास मौजूद हों तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी डेरिवेशन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें, और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीख लें, और फिर आप इस वीडियो की तरफ मूव करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 5 पार्ट्स फार्मूला। अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए अगेन, चूँकि फर्स्ट जो फंडामेंटल फार्मूला था हमारे पास, वो फंडामेंटल फार्मूला तो कोसाइन लॉ था, तो कोसाइन लॉ को ही यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ में फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि कॉस बी इज इक्वल टू कॉस सी, ये स्मॉल सी है, कॉस सी कॉस ए प्लस साइन सी साइन ए एंड कॉस ऑफ एंगल बी। ये आपके अपने ऑप्शन है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपका अपना ऑप्शन है। मैंने फॉर एग्जांपल इसको कॉस बी से यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको कॉस ए से यूज़ कर लें, कॉस सी से यूज़ कर लें, सबसे ही ये फार्मूला आसानी से डिराइव हो सकता है। अच्छा जी, इसमें हमने करना ये है कि अब हम अपनी टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि 5-पार्ट फार्मूले को, क्योंकि अभी तो आपको नहीं पता, बट 5-पार्ट फार्मूले के अंदर जो है वो जिस तरह हमें टर्म्स चाहिए, तो हम टर्म्स को ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। इस वाली टर्म्स को हम इसी यहीं पर रहने देते हैं, और उसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। तो रीअरेंज द टर्म्स, तो अगर टर्म्स को हम रीअरेंज कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्मॉल सी साइन ए एंड कॉस ऑफ पी इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये टर्म आपके पास एज इट इज मौजूद है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस सी एंड कॉस ऑफ ए, ठीक है जी, इसको हमने बना दिया। तो ये फार्मूले हैं बहुत आसान, इसमें क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो कोसाइन फार्मूला है उसकी थोड़ी सी वेरिएशन और कुछ भी नहीं है। तो फाइनली आप यहाँ पर करेंगे ये कि आप ये जो कॉस ऑफ ए आपके पास मौजूद है इसकी वैल्यू आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ज़रा बताइए मुझे कि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए इक्वल होता है आपके पास कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी एंड कॉस ऑफ एंगल ए, इसको उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, राइट हैंड साइड आपके पास बन जाएगी कॉस बी माइनस कॉस सी पहले से मौजूद है, और इस कॉस ए की जगह पर कॉस ए की वैल्यू पुट कर दें, ये इक्वल होगा कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी एंड कॉस ऑफ कैपिटल एंगल ए, ठीक है जी। तो इस कॉस ऑफ ए की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब आप जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस बी माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लें कॉस स्क्वायर सी, ये इक्वल होगा कॉस बी एज इट इज आएगा प्लस यहाँ पर ये चारों टर्म आ जाएंगी साइन बी साइन स्मॉल सी कॉस स्मॉल सी एंड कॉस ऑफ एंगल ए, ठीक है जी। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं कॉस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और ये कॉस ऑफ बी एज इट इज़ मौजूद है आपके पास। इसी तरीके से ये जो टर्म है आपके पास साइन बी साइन सी कॉस सी एंड कॉस ऑफ एंगल ए एज इट इज़ मौजूद है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस बी माइनस 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 प्लस, ये माइनस एस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस बी साइन स्क्वायर सी प्लस साइन बी साइन सी कॉस सी
एन कॉस ऑफ एंगल ए, देखेंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आपके पास टर्म है उसमें साइन सी को आप जब डिवाइड करवा दें, देखें ये जो साइन सी है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये जो साइन सी वाली टर्म है उससे आप डिवाइड करवा दें इसको, तो जब साइन सी वाली टर्म से आप डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आएगा साइन ए कॉस ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर सी, स्मॉल सी है ये, कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ स्मॉल सी, ठीक है जी। तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, साइन बी साइन सी कॉस सी एंड कॉस ऑफ एंगल ए। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो मैंने ये फार्मूले इस तरह के चूज़ किए हैं कि जो मेरे पास सी है वो बेसिकली स्मॉल आए, क्योंकि नॉर्मली जब हम लिख रहे होते हैं तो स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस नहीं पता लगता। ये देखिए ये और ये हो गया कैंसिल, तो अब आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया, ये हो गया साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस बी, और ये हो जाएगा आपके पास साइन सी, फिर आप लिखेंगे माइनस, इसे लिखेंगे साइन बी कॉस सी एंड कॉस ऑफ एंगल ए। तो टेक्निकली इस फार्मूले को हम कहते हैं फाइव पार्ट फार्मूला। अब ये फार्मूला यूटिलाइज कैसे करना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीख लें कि यूटिलाइज कैसे करना है। इसको यूटिलाइज़ करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, यानी इसको मेमोराइज़ कैसे करना है। मिसाल के तौर पर इसमें जो है वो थ्री साइड और टू एंगल्स आपके पास होने चाहिए, थ्री साइड और टू एंगल्स। तो अब आप ज़रा ये देखिए कि इसको लिखना कैसे होता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये मेरी ट्राइंगल बन गई सपोज स्फेरिकल ट्राइंगल, ठीक है जी। और ये है फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ये है बी, ये है आपके पास सी, ठीक है जी। और ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल ए स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। तो देखिए पहले इसको सीखते हैं कि ये कैसे लिखी गई है। पहली बात ये है यहाँ पर इसको लिखने के लिए आपने करना ये होता है कि साइड चूज़ करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल ए, और एंगल चूज़ करना है ए और ए बी, और फिर ये क्या हो जाएगा ए और बी, सॉरी बी और सी, और फिर बी और सी और एंगल ए पर चला जाता है, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? नहीं बात समझ आई तो हम इसको ज़रा लिख कर देखते हैं। आप मुझे बताइए इसको इस तरह लिखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें इनपुट होनी चाहिए, तो बी सी और ए, बी और ए और बी, यानी ये फाइव एलिमेंट्स हैं आपके पास ना, ये फाइव एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। तो अब आप ज़रा बहुत ध्यान से देखिए कि मैं इसको किस तरीक़े से लिख रहा हूँ। तो पहले आपने यूज़ करना होता है, इसको आप लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा साइन ए, ये हो जाता है वन, ठीक है। फिर आपने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको चूज़ कर रहे हैं, ये आपके पास गिवन है, तो ये इसको लिखना होगा आपके साथ क्या कॉस बी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा टू वन टू। फिर इसको फर्दर कैसे लिखना होगा कि आपने ए यूज़ कर लिया है, अब आप कहेंगे इसको लिखेंगे साइन सी या इसको इस तरह कर लीजिए, यानी टू है ये थ्री हो जाएगा और ये बेसिकली आपके पास फोर हो जाएगा और ये फाइव हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, कैसे लिखें, जैसे आपने इस एंगल को यूटिलाइज़ किया ना, पहले ए लिखा आपने कोसाइन ए, फिर आपने लिखा कॉस बी, तो फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड को आप यहाँ पर लिखिए, तो आप इसको लिखना होगा आपने कॉस स्मॉल बी, फिर आपने इस साइड को लिखना होगा, फिर लिखना होगा आपने साइन स्मॉल सी, और फिर आपने लिखना होगा माइनस, ये दोबारा रिपीट करना होगा, पहले साइन के साथ लिखना होगा और फिर कॉस के साथ लिखना होगा और फिर कॉस के साथ आपने एंगल ए कर देना होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, और अगर इन केस नहीं समझ आया तो हम वापस से समझते हैं। यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि वन टू थ्री फोर फाइव एलिमेंट्स इस तरीके से गिवन है, तो अब आप मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मेरी एक स्फेरिकल ट्राइंगल है, वापस से देखिए ये मेरे पास एक ये मेरे पास एक स्फेरिकल ट्राइंगल है, ये एक स्फेरिकल ट्राइंगल मैंने आपको बनाई, और मिसाल के तौर पर ये बी सेम रखते हैं बी सी एंड ए स्मॉल ए स्मॉल सी और स्मॉल बी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये साइड मौजूद है,
फिर ये मौजूद है एंगल, फिर ये साइड है आपके पास 3, फिर ये एंगल आपके पास 4, और फिर ये है आपके पास 5, यानी 5 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, तो अब इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको स्टार्ट करते हैं कॉस ए से, आपने कॉस ए से स्टार्ट किया, इसके बाद सॉरी पहले साइन लिखना होता है, तो पहले आपने इसको स्टार्ट किया कहाँ से? स्टार्ट किया आपने इसको साइन ए से स्टार्ट किया, ठीक है जी। तो पहले साइन ए, फिर आपने इस एंगल को लिखना होता है, ये एंगल क्या होगा आपके पास? ये एंगल होगा कॉस कैपिटल सी इज इक्वल टू, फिर जब ये एंगल चूज़ करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लिखना होता है कॉस के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस ऑफ स्मॉल सी। फिर आपने लिखना होगा इस साइड को साइन के साथ, तो ये इक्वल होगा साइन ऑफ स्मॉल बी, फिर माइनस लगाना होगा, फिर यहाँ पर जो सी है उसको आप लिख दीजिए साइन के साथ यानी साइन सी, और ये बन जाएगा आपके पास कॉस बी, और फिर आप दरमियान का एंगल लिख दीजिए तो ये एंगल हो जाएगा कॉस ए। तो इसी तरीक़े से 5 पार्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, तो 5 समझ आ गई। यानी आप अगर इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने लिखना होगा साइन ए, फिर लिखना होगा कॉस सी, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू कॉस सी साइन बी साइन साइन सी एंड कॉस बी एंड कॉस ऑफ कैपिटल एंगल ए। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यूज़ इस तरीक़े से जो है वो ये फार्मूला वर्क करता है। तो इस फार्मूले को कहते हैं 5 पार्ट फार्मूला, और इसका यूज़ आपके पास ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सारे फार्मूलों को अगर आप डायरेक्टली यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको डबल फार्मूले यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, यानी एक ही फार्मूले से आप अपनी ट्राइंगल को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये कहलाता है 5 पार्ट फार्मूला, कि अगर 5 पार्ट कंसेक्यूटिव हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसाइन के टर्म है, तो इसे साइन कोसाइन फार्मूला भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो सिंपल सी डेरिवेशन है 5 पार्ट फार्मूले की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।